गांजे की खेप के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र की पुलिस ने गांजा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने एक कार और घर से 7 बोरों में करीब 1 क्विंटल 40 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि हनुमाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अटरिया निवासी कल्लू उर्फ रजनीश पटेल अपनी ब्रेजा कार से अवैध गांजे की बड़ी खेप को लेकर प्रतापगंज होते हुए सीधी तरफ आने वाला था। सूचना मिलते ही हनुमाना थाना प्रभारी ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया तथा तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। हनुमाना पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद प्रतापगंज रोड में गोरमा डैम के पास ब्रेजा कार क्रमांक MP17CC 1741 को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। कार की तलाशी ली गई तो कार से 2 सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की बोरी में 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने कार के चालक कल्लू उर्फ रजनीश पटेल से पकड़े गए गांजे के बारे में पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि गांजे की खेप को वो उड़ीसा से मंगवाया था और अपने गांजे की खेप को स्टॉक अपने गांव के पड़ोसी राम बकस पटेल के घर के भुजेलों में उसकी देखरेख में रखता था। साथ ही उसने पुलिस को वहां पर अपनी गांजे के स्टॉक का करीब 1 क्विंटल गांजा रखा होने की बात भी बताई। अटरिया में राम बकस के घर में गांजे की खेप होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसके घर पहुंचकर भुसोले की तलाशी ली तो वहां से 5 प्लास्टिक की बोरियों में 110 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों कल्लू उर्फ रजनीश पटेल एवं राम बकस पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी मिलकर गांजे का व्यापार करते थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध धंधे में उनके साथ और कौन कौन शामिल था और साथ ही वो ये गांजा कहां कहां सप्लाई करते थे। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, हनुमाना थाना क्षेत्र में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपने देखा, लगातार अभी नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए हनुमाना क्षेत्र में यूपी बॉर्डर से लगे क्षेत्र में हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहाँ पर एक वाहन पकड़ा गया है और कुछ मात्रा घर पर मिली है और इस तरह लगभग 1 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी गई है। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है और इसके सोर्सेस क्या रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं चेन में, उनके ऊपर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। जो भी और डेवलपमेंट होगा उससे आपको हम लोग अवगत।